मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनएकेडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर का सिनारियो, जो कि रोज सुबह के 4 बजे आपको दे दिए जाते हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर डेली बेसिस पे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आपको करंट अफेयर होते हैं, जैसे कि मंथली बेस्ड और कुछ ईयरली बेस्ड भी होते हैं, जिसमें कि आपको कम से कम 2019-20 का करंट अफेयर कंप्लीटली पढ़ना होगा अगर आप 66 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम तो कम से कम है ना, 1 साल का करंट अफेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा 2018 और 2017 का भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा करंट अफेयर तो वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन कम से कम 1 साल का करंट अफेयर ज़रूर पूछ लिया जाता है, जो कि मैं आपको दूंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके अलावा बीपीएससी में और भी सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको वेटेज होते हैं यहाँ पे स्कोर करने के लिए, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, या साइंस के क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे सेट भी आपको लगाने होंगे। जी हाँ, जिसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें कि वो सारे क्वेश्चन आपको एज ए मॉक टेस्ट दिए जा सके, ठीक है। तो अभी ये अपडेट यहाँ पे मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आगे आने वाली क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ सकें वहाँ भी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कहता है कि मई 2020 में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार अप्रैल 2020 में भारत के प्राकृतिक गैस उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में, जी हाँ, देखिए अभी लॉकडाउन का समय 22 मार्च से ही चल रहा है, जिसके चलते बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं भारत के वो अभी ठप पड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो प्राकृतिक गैसेस निकाली जाती थी, उसका उत्पादन किया जाता था, उसमें कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है इस एक महीने अप्रैल 2020 के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग ए 18.6% का। तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है इंडिया के खिलाफ, या इंडिया के हिसाब से। यहाँ से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे जो प्राकृतिक गैस उत्पादन के जो मिनिस्ट्री ऑफ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इस प्राकृतिक गैस उत्पादन सेंटर का, तो ये आप याद रखिएगा न्यू दिल्ली होता है, ठीक है। चलिए, तो इतना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के मुख्य बिंदु से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जुड़े कुछ प्रश्न और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि 23 मई 2020 को पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, जी हाँ, जिसमें कि हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान है तो केंद्रीय मंत्री ने एक आंकड़ा जारी किया, क्या कि 18.6% की कमी दर्ज हुई है अप्रैल महीने की। लेकिन ये कितना है, ये भारत में गैस उत्पादन का कितना है, ये जो प्रतिशत में है याद रखिएगा 2.16 अरब घन मीटर का ये पूरा हमारा प्राकृतिक गैस जो है, जिसका उत्पादन रुका गया है अप्रैल 2020 में। यहाँ से ये डेटा नोट कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपके, ठीक है। और इस दौरान भारत में सबसे बड़ी गैस उत्पादन कंपनी है दोस्तों ओएनजीसी, जी की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसने कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है 15.3% कम उत्पादन करके। जी हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कम होने का, कम उत्पादन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि ओएनजीसी का यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। सीईओ है अभी इसके शशि शंकर जी, ठीक है, सीईओ पूछता है अक्सर एग्जाम में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, यानी कि भारत की नॉर्दर्न कंपनियों में से एक है ये, ठीक है, और ये फाउंडर भी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट अभी क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए अगर, तो हर देश अपने देश में दवा बनाने का दावा पेश कर रहा है कि हमने दवा बना लिया है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों इसराइल में भी ये दावा किया गया कि इसराइल ने भी इसकी वैक्सीन बना ली है, लेकिन इसको पेटेंट करने के लिए अभी वेट हो रहा है। चलिए, उसके बाद अमेरिका ने भी दावा किया, जी हाँ, कि हमने भी अपना दवा बना लिया है कोविड-19 के खिलाफ, ठीक है। ये कोविड-19 है क्या, पहले ये तो जान लीजिए, कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, तो कोरोना वायरस डिजीज, ये COV का मतलब हो गया कोरोना वायरस, और VI से हो गया कोरोना वायरस, और डी से हो गया डिजीज। और चूंकि 19 का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, तो 19 का तात्पर्य है दोस्तों कि ये सन 2019 में इसका पहला केस चाइना में पाया गया, ठीक है, नवंबर में। तो ये यहाँ से अपडेट होता है कोविड-19 इसका नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन अमेरिका और इसराइल के बाद अब चाइना ने भी
चाइना की एक कंपनी ने, एक्चुअली चाइना ने नहीं, चाइना की एक कंपनी ने कोरोना वायरस के संभावित वैक्सीन का सफल परीक्षण करके दावा किया है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट करूंगा इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। ED5-NCoV ये जो है ये एक वैक्सीन है जिसका नाम है यहाँ पे दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, इसके ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। इसको जो बनाने वाली कंपनी थी वो, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मैंने यहाँ पे ऑप्शन में ही डाल दिया है, ठीक है, कैंसिनो बायोलॉजिक्स ये कंपनी का नाम है जिसने ये दावा किया है कि ये जो दवा है ये कारगर हो रही, लेकिन अभी इसको पेटेंट नहीं किया गया। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये अभी तक 118 व्यक्तियों पे, जी हाँ, करीब 118 व्यक्तियों पे इस वैक्सीन का उपयोग किया गया, और जो कि बहुत ही अच्छी सकारात्मक रिपोर्ट आई है कि सभी के सभी ठीक हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसको भी वर्ल्ड वाइड WHO ने प्रमाणित नहीं किया है, ना ही चाइना सरकार ने इसको प्रमाणित किया है, बस इसका, इस कंपनी का दावा है। किसका? तो कैंसिनो का बायोलॉजिक्स का जो है ये दावा है कि ये जो दवा है वो कारगर हो रही है, काम कर रही है। दोस्तों आंसर ए कर लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं जो कि इसके लिए आपको नोट करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका कंपनी जो है, ये जो सैनसिनो बायोलॉजिक्स जो कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर चाइना में ही है, बीजिंग में है, ठीक है। और ये फाउंडर कौन है? 2009 में फाउंड किया गया इसका, ठीक है, तेंजिन चाइना के द्वारा, जी हाँ, तेंजिन चाइना में इसका फाउंडेशन था, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरी चीजें आप एक यहाँ पे और नोट करेंगे क्या, कि जो चाइना से रिलेटेड है, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम जो कि अभी ट्रेंडिंग में है भाई सबसे ज्यादा, ठीक है, जी जिनपिंग, ठीक है। कैपिटल बीजिंग होती है, पॉपुलेशन यहाँ की करीब 139 करोड़ की है, ठीक है, भारत से भी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है। पहले नंबर पे चाइना आता है पॉपुलेशन के मामले में, और दूसरे पे भारत आता है। करेंसी यहाँ की है चाइनीज रेनिमबी, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है। इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है ये थोड़ा सा आप नाम ADV5-NCoV करके है इस दवा का, वैक्सीन का नाम, लेकिन अभी तक ये चाइना गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, ऑफिशियली यहाँ पे अप्रूवल नहीं दिया है कि ये दवा सही है, लेकिन 118 व्यक्तियों पे इसको क्या किया गया है, तो इस पे दावा किया गया कि ये सही हो गए हैं, सकारात्मक रिपोर्ट आए हैं वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं दोस्तों। ब्रिटेन की एक अदालत ने किस भारतीय व्यापारी को चीन के बैंकों के करीब 71.7 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने का आदेश दिया? तो भारतीय हैं ये व्यापारी और चीन के बैंकों से इन्होंने कर्जा लिया था, ठीक है, उनका नाम बताना आपको यहाँ पे। तो ऑप्शन में तो बहुत बड़े बड़े नाम दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, गोपी चंद, परमानंद हिंदुजा, अनिल अंबानी, नवीन जिंदल, कुमार मंगलम बिरला। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आंसर जो है? अनिल अंबानी होगा, वैसे तो बी यहाँ पे आंसर आ गया है, ठीक है, अनिल अंबानी है। इनकी जो कंपनी है, इन्होंने किस किस बैंक से कर्जा लिया था ये आपको मैं बताना चाहूंगा। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, पहला कि इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना से इन्होंने कर्ज लिया था, ओके, ये कंपनी हो गई। दूसरा बैंक था दोस्तों चाइना डेवलपमेंट बैंक, इससे भी इन्होंने कर्जा लिया था। और तीसरा है यह दोस्तों एग्जिम बैंक ऑफ चाइना। तो ये तीन बैंकों से इन्होंने कर्ज लिए थे। इन बैंकों से अनिल अंबानी ने 2012 में ही करीब 92.5 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था, लेकिन उनका व्यापार चल ना सका, डूब चुका है व्यापार उनका, ठीक है, जिसके चलते अब ये जो है कंपनीज जो हैं ये ब्रिटेन सरकार के तरफ से भी, क्योंकि इनका वहां भी बिजनेस है, तो एक कंप्लेन दायर किया है इनके ऊपर कि ये जो है इनकी जो कंपनियों के जो पैसे हैं वो चुकता कर दें वहां पे, ठीक है, उनका कर्ज वापस कर दें, ठीक है। ऐसा ब्रिटेन की, इंग्लैंड की वेल्स उच्च अदालत ने ये सहमति जताई है, वहां की वाणिज्य इकाइयों ने, कि ये जो है पैसा इनका वापस कर दें। कब तक वापस करना है? तो इनको 3 महीने का समय यहाँ पे दिया गया है अभी, ठीक है, 21 दिन का वैसे तो बोला जा रहा है, 21 दिन का, लेकिन ये करीब करीब लगभग 3 महीने जा सकता है इनके लिए, ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है, यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। ऑनलाइन लेक्चर देने वाली दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नोट कर सकते हैं दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन लेक्चर देने के लिए दुनिया में अपना पहला ऐसा यूनिवर्सिटी बन गया जो कि कंप्लीटली इसका जितना भी पढ़ाई है उसको ऑनलाइन लेकर आ गया है,
या कैनवर यूनिवर्सिटी, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आप जरूर रखिएगा। या कैनवर यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों आपको यूके यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। अच्छा, यूके से जब क्वेश्चन रिलेट करते हैं यहाँ पे, तो यूके का जो चार भाग में इसका देश कंट्रीज है, ठीक है, एक है ब्रिटेन जिसे हम लोग, इसका राजधानी है लंदन, एक है दोस्तों यहाँ पे स्कॉटलैंड, एक है नीदरलैंड, ठीक है, और एक है हॉलैंड, ठीक है। तो ये चारों कंट्री का मिला के यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जाना जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये दुनिया की यहाँ की जो पहली यूनिवर्सिटी है, जो कि यूनिवर्सिटी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम आया है, सारे कोर्सेज को यहाँ पे इन लोगों ने ऑनलाइन करके पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन आ सकता है एग्जाम में, इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम में, जी हाँ, गुरुग्राम जो है गुड़गांव का चेंज किया हुआ नाम है, ठीक है, जो कि हरियाणा का एक शहर होता है, एक अस्पताल में इनका निधन हो गया है। तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, और ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं कौन से राज्य में, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों ये झारखंड के। जी हाँ दोस्तों, झारखंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, गुरुग्राम के एक अस्पताल में। गुरुग्राम से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो हरियाणा का ये शहर है, तो हरियाणा की राजधानी होती है दोस्तों चंडीगढ़। क्या होती है? चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो ये दो चीजें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, लेकिन झारखंड से भी जुड़ी हुई चीजें हैं, तो झारखंड का भी राजधानी आपको पता होना चाहिए, जो कि होती है रांची। जी हाँ, और यहाँ के जो सीएम कौन है? तो वो है हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर का भी नाम पूछता है अक्सर, तो नाम रखिएगा मुर्मू। जी हाँ, मुर्मू है यहाँ की अभी गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है। दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब 6 पे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, तो रीस्टार्ट करके एक नया योजना शुरू हुआ है, कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? एमएसएमई यहाँ पे जो है दोस्तों, जितने भी छोटे उद्योग हैं उस राज्य के लिए, वो राज्य को यहाँ पे क्या करेगी, उस राज्य के जितने भी छोटे उद्योग हैं उनको सहारा देगी, ये रीस्टार्ट योजना। तो ये किया दोस्तों आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंसर क्या कर लेंगे? बी कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश ने। देखिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कल मैंने क्वेश्चन भी बताए थे, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल यहाँ पे पूछूंगा कि हु इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, ये दो चीजें आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जल्दी आपको मैं बता दूं कि ये रीस्टार्ट योजना के तहत जो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, देखिए सारी चीजें आ ही गई यहाँ पे, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। लिटरेसी यहाँ पे 67.41% है 2011 के अनुसार। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है YS जगमोहन रेड्डी और कैपिटल होती है अमरावती। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की, पहले हैदराबाद हुआ करती थी, जब से ये तेलंगाना का अलग हुआ है राज्य हमारे आंध्र प्रदेश से, तो ये अमरावती इसकी राजधानी होती है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई, तो याद रखिएगा माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको कहते हैं एमएसएमई। ऐसे छोटे उद्योग जो कि किसी भी राज्य सरकार में उसके गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें संचालित की जाती है चीजों को, ठीक है। 2007 में इसका फाउंडेशन हुआ एमएसएमई का, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है एमएसएमई का। ये जुरिडिक्शन है इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। एनुअल बजट यहाँ पे दिया जाता है 6552 करोड़ रुपए का, जो कि यहाँ पे दिया गया है भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, इन सभी को संचालित करने के लिए। तो यहाँ पे एक रीस्टार्ट करके चलाया गया है कार्यक्रम, जिसमें कि ये पैसे अब जाएंगे और यहाँ पे छोटे उद्योगों को फायदा मिल सकेगा। चूंकि देखिए अम्फान की जो अभी तूफान आया हुआ था उसके चलते आंध्र प्रदेश में भी कुछ क्षतियाँ हुई हैं, ठीक है, जैसे कि उड़ीसा और बंगाल में हुई हैं। तो उड़ीसा बंगाल को तो पैकेज मिल चुका है इन द सेंस कि अनाउंसमेंट हो चुका है उनको, लेकिन यहाँ भी आंध्र प्रदेश को भी जो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि सबसे पहली पहल हुई है माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। सार्वजनिक क्षेत्र में जिस बैंक ने कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है,
बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा बैंक है वो सार्वजनिक क्षेत्रों में, जी हाँ उनके जितने भी बिजनेस टर्म्स हैं उसमें कौन सा बैंक है जो कि कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे प्रभावित उनके सभी लेनदारों की ऋण सहायता में उपलब्ध करने की घोषणा की है, वो है बैंक दोस्तों कैनरा बैंक। याद कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कैनरा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इनके सीईओ का नाम याद रखिएगा। जी हाँ एक्चुअली ये कैनरा बैंक साउथ इंडियन बैंक एक तरह से कह सकते हैं, लिंगम वेंकट प्रभाकर। और ये कैनरा बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक है भारत का, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु होता है दोस्तों, जो कि कर्नाटका की राजधानी होती है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फाउंडर इसके हैं दोस्तों अमेबल सुब्बा रॉय पाई, इसके फाउंडर थे। 1 जुलाई 1906 का ये बैंक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1906 में इसका फाउंड किया गया था इस बैंक को। बहुत पुराना बैंक है ये भी, लेकिन इसको अब जाके नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। और कब, तो ये दोस्तों जब ये सीईओ बनाए गए हैं 2020 1 फरवरी तक के लिए, 31 दिसंबर 2022 तक के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो फाउंडेड है ये 1906 बताया जा रहा है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन दिनों सुर्खियों में छाई ओपन स्काईज संधि क्या है? देखिए ओपन स्काईज संधि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपके बीपीएससी में, ठीक है। तो ये एक हथियार नियंत्रण प्रयास है दोस्तों, इसमें बहुत सारे देश जो हैं शामिल हैं, जो कि हथियारों की निरीक्षण का प्रयास जो है यहाँ पे रखा गया है। ये क्या प्रयास है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी इसके तथ्य में जाऊंगा तो, लेकिन आंसर यहाँ क्या कीजिएगा, हथियार नियंत्रण प्रयास है ये, ठीक है। इनकी संधि के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिएगा यहाँ से। ओपन स्काइज को लेकर यहाँ पे होने वाली संधि में 2002 में एक हस्ताक्षर किए गए थे, जिस संधि में शामिल सदस्यों की एक हवाई निगरानी प्रणाली को स्थापना किया गया। एक हवाई निगरानी प्रणाली का यानी कि इनमें जितने भी हथियार बनाने वाले देश हैं उन पे निगरानी रखी जाएगी, और जितने खरीद बिक्री करने वाले देश उन पे निगरानी भी रखी जाएगी। सारा ब्यौरा जाएगा हर सरकार को, है ना, कि कौन कौन सरकार में कितनी, कौन कौन देश में कितनी हथियारें खरीद बिक्री हो रही है, या फिर कहाँ कहाँ जो देश है इसका आयात निर्यात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। कुल 34 देश इसमें शामिल हुए, ठीक है, जिसमें कि अमेरिका भी था और रशिया भी था, लेकिन अभी कुछ विवादों के चलते अमेरिका ने यहाँ से अपना हाथ पीछे कर लिया है, क्योंकि ये रशिया से विवाद है यहाँ पे, और ये दोनों ही देश एक दूसरे का कट्टर देश है, ठीक है। और अमेरिका, रशिया और चाइना, ये तीन ही तो देश है देश जो विश्व में अभी एक दूसरे की कट्टरता बने हुए हैं, तो अपना आधिपत्य जमाने के चक्कर में है, ठीक है। तो ये अमेरिका जो है अपना हाथ इस प्रणाली से पीछे कर चुका है। इस संधि में हस्ताक्षर करने वाले कुछ देशों के नाम है, जैसे कि इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, फिनलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, टर्की, बेल्जियम, बेलारूस, क्रोशिया और बुल्गेरिया और बोनेशिया और हेर्जोगोविना, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, डेनमार्क, जॉर्जिया, रशिया, आइसलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, यूक्रेन और स्नोवेलिया। अब देखिए इसमें नाम तो है सबका, लेकिन इनमें भारत का नाम कहाँ गया और जापान का नाम कहाँ गया? तो भारत में एक ऐसा संधि किया है, जी हाँ, जो कि जापान के साथ हुआ है सिर्फ संधि इस ओपन स्काइज में, ठीक है क्या। तो भारत ने 2017 में यह संधि पे हस्ताक्षर किया, और भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के अनुरूप इस संधि पर अपने हस्ताक्षर किए हैं जापान के साथ। तो ये एक हस्ताक्षर भारत का भी और जापान का भी यहाँ से होता है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींच लिए, ठीक है। तो किस लिए है ये आप जान गए, यहाँ पे हथियार नियंत्रण प्रयास के लिए है ओपन स्काइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के तहत पैकेज की घोषणा की है? देखिए सारी चीजें मैं आपको लिख के यहाँ पे देता हूँ ताकि आप भी इसको पढ़ सके। वैसे तो मैं वीडियो बना देता सिर्फ 10 क्वेश्चन लिख के, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देके बना देता, लेकिन मैं चीजों पीडीएफ में लिख देता हूँ ताकि चीजें आपको पढ़ने के बाद याद रह सकें, उसके आप उसके ऊपर कभी भी ध्यान रखें तो पीडीएफ निकाल के पढ़ सके, है ना। इसलिए मैं आपको पीडीएफ में सारी चीजें लिख के दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा उड़ीसा राज्य को कितने का पैकेज मिला है अम्फान चक्रवात के चलते। अम्फान जो है दोस्तों उड़ीसा जो हमारा तटीय क्षेत्र है, जो भारत का एक, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा देश है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा राज्य है, ठीक है, ये उड़ीसा का राज्य है, ये बंगाल है यहाँ पे। तो बंगाल और उड़ीसा को ये चक्रवात ने काफी प्रभावित किया है, ठीक है, यहाँ पे। तो भारत सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस दौरे पे गए तो यहाँ पे 500 करोड़ रुपए का इनको पैकेज दिया है, ठीक है। कितने का? तो 500 करोड़ रुपए का उड़ीसा को।
अच्छा उड़ीसा से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस योजना के तहत जो 500 करोड़ मिले हैं उसके अलावा प्रधानमंत्री ने अम्फान चक्रवात से जो लोग मरे हैं वहाँ पे परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का घोषणा किया और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये तक देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्ण सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन करें, उसके बाद सरकार उड़ीसा सरकार को इस संकट से बाहर निकालने में भी मदद करेगी, बाकी व्यवस्था करेगी। यानी कि संतावना दे दिया गया है उड़ीसा को, यहाँ पे 500 करोड़ का पैकेज दिया गया है लेकिन उसके साथ साथ संतावना भी दिया गया, लेकिन वहीं पे बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए का दिया गया है पैकेज, जो कि यहाँ पे उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये पैकेज क्या वो 20 लाख करोड़ में शामिल होंगे या फिर ये पैकेज इनको पहले दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी संशय बना हुआ है। ठीक है, पर ये एक अनाउंसमेंट था जो कि भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नोट कर ले सकते हैं उड़ीसा से चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कैपिटल पूछ सकता है एग्जाम में, भुवनेश्वर है, पॉपुलेशन यहाँ पे 4.6 करोड़ है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछता है अक्सर एग्जाम में, है ना, बीपीएससी वगैरह में या किसी पीसीएस में, तो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा में, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे उड़िया है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये सारे तथ्य थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी हैं, कितनी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी उम्र के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया था। तो कितनी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं ये पूछा गया है, तो 3 बार। आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? डी कर लीजिएगा दोस्तों, 3 बार। ये आप तस्वीरों में इनको देख सकते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि ये लीजेंड हॉकी खिलाड़ी कह सकते हैं इनको, बलबीर सिंह सीनियर इनका नाम है। 25 मई को इनका निधन हो गया दोस्तों, 3 बार ये स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है, तो यहाँ से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। वो 3 बार जब लंदन में खेले 1948 में, हेलसिंकी में 1952 में और मेलबोर्न में 1956 में ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे ये। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर को 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान भी बनाया गया था। और एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, बलबीर सिंह को नाम ना देकर हम लोग यहाँ पे इनको पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर कहें तो ज़्यादा सम्मानित होगा। जी हाँ, तो इनको सम्मानित किया गया था 1957 में, ठीक है, बलबीर सिंह को पद्मश्री से, और 1975 में ये विश्व विजेता टीम के कैप्टन भी थे, मैनेजर थे एक्चुअली, सॉरी माफ कीजिएगा, मैनेजर थे ये। तो दोस्तों आज के सिनारियों में क्वेश्चन 10 थे, यहाँ से क्वेश्चन जो कि मैंने आपको दिए हैं, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आप हमारे साथ यहाँ बने रहें। लेकिन आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं इसका पीडीएफ जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाएं, ज्वाइन करें, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।